नमस्कार दोस्तों, डीके थ्योरी होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइंस लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक बढ़िया सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। प्लान की तरफ बढ़ने से पहले, स्क्रीन पर जो देख रहे हैं हमारे ऑफिस के नंबर है। अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वह वीडियो आपसे मिस ना हो। तो 30 फीट बाय 45 फीट का आज का पूरा प्लॉट का एरिया है जिसमें हमने प्लान बिठाया है, वह आपको मैं शॉर्ट में समझाऊँगा। 30 फीट जो है हमारा फ्रंट है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो आप 30 फीट है, और 45 फीट जो है हमारा लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 45 फीट है। और ये जो है इस साइड में एक रोड है और बाकी की जो तीनों साइड है, तीनों साइड में दूसरों के प्लॉट्स है। तो हमने जो है हमारा वेंटिलेशन हमारे प्लॉट में एडजस्टमेंट किया है। तो देखिए, ये जो रोड है मेन रोड, मेन रोड से हम जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पे जो है हमारा मेन गेट रहेगा। मेन गेट से एंट्री करते हैं तो यहाँ पर पार्किंग के लिए एरिया मिलता है हमें। तो यहाँ पर जो है 9 फीट 7 इंच का पार्किंग का एरिया मिलता है लेंथ में, और 11 फीट विड्थ में मिल रहा है। तो दो बाइक जो है आराम से पार्क हो सकती है। ये बाइक पार्किंग के लिए ही हमने एडजस्टमेंट किया है। अगर आपका प्लॉट थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा है तो आप यहाँ पे फोर व्हीलर पार्किंग का भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब कार पार्किंग भी एडजस्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन 30 फीट बाय 45 फीट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि कार पार्किंग नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने यह विदाउट कार पार्किंग का प्लान दिया है। तो मेन रोड से हम जैसे ही एंट्री करेंगे तो यहाँ पे बाइक वगैरह पार्क करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 फीट की जगह छोड़ी गई है, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी एक छोटा सा गेट आपको नज़र आ जाएगा। ये जो गेट है इस साइड में एंट्री करने के लिए है, मतलब अगर ऊपर का फ्लोर आपको रेंट के हिसाब से देना है तो ये जो है इस साइड से हम एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। और इस लैंडिंग के नीचे एक छोटा सा गेट रहेगा और गेट से हम एंट्री करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हमारी स्टेयर जो स्टार्ट होती है और फर्स्ट फ्लोर की तरफ हम निकल जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर की मंजिल पर हम यहाँ से जा सकते हैं। तो नीचे वाली फैमिली की कोई भी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती क्योंकि यहाँ पे एक डोर रहेगा। यह जो डोर ओपन करके नीचे वाली फैमिली जो है इस ग्राउंड फ्लोर पर जो रहेगी, उनको अगर ये स्टेयर्स यूज़ करना है तो ये डोर ओपन करके यहाँ से स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में देखेंगे तो ये स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर पूरी जो है एक वरांडा दिया है और इस यहाँ से एंट्री करेंगे हम लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम का साइज़ जो है लगभग 14 फीट बाय 13 फीट 6 इंच का है, मतलब 14 फीट बाय 13 फीट 6 इंच का। और दो विंडो दिए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे तो काफ़ी बढ़िया इस लिविंग रूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा क्योंकि इस साइड में भी 3 फीट 4 इंच की जगह छोड़ी गई है। तो यहाँ से भी इस लिविंग रूम को वेंटिलेशन मिलेगा, और ये तो फ्रंट साइड है, यहाँ से भी वेंटिलेशन मिल जाएगा, मतलब लिविंग रूम में काफ़ी वेंटिलेशन अच्छा रहेगा। उसके बाद में हम एंट्री करते हैं टॉयलेट बाथरूम की पोर्शन की तरफ। देखिए, यहाँ पर है बाथरूम दिया गया है और यहाँ पर एक टॉयलेट दिया गया है। टॉयलेट का साइज़ जो है 3 फीट 6 इंच बाय 4 फीट का है, और बाथरूम का जो है 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का है, मतलब रेगुलर साइज है, रेगुलर साइज़ है। उन दोनों को वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे एक ओपन डक्ट रखा गया है, तो यहाँ से इस टॉयलेट को और बाथरूम को वेंटिलेशन मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे स्टेयरकेस का पोर्शन है ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए। ये यहाँ पे एक डोर रहेगा, या डोर ओपन करके अंदर की साइड में डोर ओपन होगा और यहाँ से हम एंट्री करेंगे, फर्स्ट फ्लोर की तरफ चले जाएंगे। ये स्टेयर जो है इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं या तो इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो टॉयलेट बाथरूम जो है लिविंग रूम से डायरेक्टली यूज़ करना है तो काफ़ी नज़दीक है, किसी की भी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती है। उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा बेडरूम बताया गया है, 11 फीट बाय 11 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है, मतलब काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और एक विंडो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। और इसको जो है टॉयलेट बाथरूम बहुत ही नज़दीक है, यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में फिर से एक बेडरूम है यहाँ पे, इस बेडरूम का साइज़ जो है 11 फीट 5 इंच बाय 12 फीट का है, मतलब 11 फीट 5 इंच बाय 12 फीट का, लगभग 11.5 बाय 12 का। और एक विंडो पीछे एक साइड में दिया गया है और एक डोर भी दिया गया है इस साइड में, क्योंकि इस साइड में 3 फीट की गैलरी छोड़ी गई है। ये जो ग्राउंड फ्लोर पर यह पूरी गैलरी हम यूज़ करेंगे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर हम यहाँ पर स्लैब नहीं डालेंगे क्योंकि इस साइड में हमारा प्लॉट नहीं है, इसलिए हम यहाँ से हम वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हम ओपन टू स्काई रखेंगे। यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा और ये जो जगह है इस डोर से यूज़ कर सकते हैं। और इस बेडरूम को एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है 7 फीट 4 इंच बाय 3 फीट 10 इंच का, मतलब लगभग 4 फीट बाय 7 फीट 4 इंच का यहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। और इसको जो वेंटिलेटर है इस साइड में दिया गया है। और यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज वगैरह कर सकते हैं, या छोटा सा कबर्ड वगैरह हम बना सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में देखेंगे तो एक किचन है हमारा। यहाँ से किचन का साइज़ जो है 11 फीट बाय 12 फीट 8 इंच का है, मतलब लगभग 11 फीट बाय 12 फीट 8 इंच का है, काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और
किचन से भी डायरेक्टली टॉयलेट बाथरूम बहुत ही नज़दीक है। ये जो बेडरूम है इस बेडरूम से भी नज़दीक है, लेकिन इस बेडरूम को अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। तो किचन जो है 11 फीट बाय 12 फीट 8 इंच का है और इसको पीछे के साइड में एक डोर बताया गया है इस वॉश एरिया को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे एक वॉश एरिया दिया गया है 3 फीट का और यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालेंगे। नीचे जो है वॉश एरिया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हम यहाँ पे स्लैब नहीं डालेंगे। इससे इस किचन को वेंटिलेशन मिल जाएगा और यहाँ पे इस अटैच बाथरूम को भी वेंटिलेशन मिल जाएगा। और ये जो जगह है इस वॉश एरिया को यहाँ से इस डोर से यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप में ये 30 फीट बाय 45 फीट में 2 BHK प्लान हमने एडजस्टमेंट किया है। आशा करता हूँ कि ये प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया है और पसंद भी आया है। तो इसी प्रकार के लगभग हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हमने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और हो सके तो ये वीडियो जो है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से किसी न किसी का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो किसी और के फायदे के लिए प्लीज़ यह वीडियो आप शेयर ज़रूर करें। और आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपका प्लॉट का डिटेल दे सकते हैं और आपके रिक्वायरमेंट भी दे सकते हैं और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से या हमारे चॉइस के हिसाब से आपको बढ़िया से बढ़िया प्लान हम बना के दे देंगे। लेकिन इसके कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करना पड़ते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप शेयर ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।